दो महिलाएं तीन आदमी, बंद कमरा और शराब की पार्टी। ये शराब बंदी वाले बिहार की वायरल तस्वीर है। इस तस्वीर ने उस सच को बयां किया है जो सरकार के दावों की पोल खोलती है। व्यवस्था देखिए, कैसे कमरे की तलाश की गई, रंग जमाया गया और शराब के साथ सारी व्यवस्थाएं की गई, लेकिन किसी ने पुलिस को सूचना दे दी और नशा काफूर हो गया। शराबबंदी के बीच बिहार के लखीसराय से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पंचायत सचिव और दो महिलाओं समेत पांच लोगों को एक मकान में शराब पार्टी करते हुए अरेस्ट किया गया है। ये कार्रवाई उत्पाद विभाग पुलिस द्वारा की गई है। मामला लखीसराय शहर के संतर मोहल्ले की है। यहां एक मकान में शराब पार्टी की जा रही थी। सूचना मिलने पर उत्पाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दो महिलाओं सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपियों को उत्पाद थाने ले जाया गया। गिरफ्तार पांच लोगों में पढ़िया प्रखंड के पंचायत सचिव अशोक यादव, हलसी प्रखंड के पूर्व वार्ड सदस्य मनोहर कुमार, उसके घर का नौकर और दो महिला शामिल हैं। कल विशेष अभियान के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की गई। संतर मोहल्ला में भी छापेमारी। सूचना मिला था कि शराब पार्टी हो रहे हैं, जिसमें एक दल का गठन करके पवित्रा जी, एसआई गुड्डू जी, रवि जी और मैं निरीक्षक संतर मोहल्ला में बताए गए उक्त स्थान पर छापेमारी की, जिसमें तीन पुरुष और दो महिला शराब सेवन और शराब के साथ पकड़े गए हैं। इनमें कौन कौन लोग शामिल हैं सर? जिन पांच लोगों की गिरफ्तारी, उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं? एक पंचायत सचिव बढ़िया प्रखंड के हैं और बाकी उनके सहयोगी लोग बता रहे हैं कि हम उनके सहयोगी हैं। इस शराब पार्टी में जो दो महिला शामिल हैं वो दूसरे जिले की बताई जा रही हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने जिस मकान में छापेमारी की वहाँ अनैतिक कार्य भी होते हैं। आए दिन यहाँ शराब पार्टी होती है। इनमें सरकारी कर्मचारियों से लेकर पंचायत प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। पुलिस ने पांचों लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी शराब के नशे में थे। पुलिस ने इनके पास से शराब भी बरामद की है। इस मामले में आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। लखीसराय से विनोद कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, बिहार तक।